जी हौसला रखो, जे किसी भी तरह की कोई भी सिचुएशन आ गई तो तुम हौसला रखोगे तो फिर थानू ईजी होगा, नहीं तो टफ हो जाऊगा। सो हौसला रखो, मैं अपने आप नूं कहूंगी हौसला रख। हौसला रख। मैं थोड़ी शहनाज करगिल। शहनाज बहुत एक्सपीरियंस मैं आ है। करूंगी। मुआ अच्छा दादा आ रहे ने, मैं तिन्ना को लो जानना चाहवांगी। शहनाज ट्रेलर बहुत ही वधिया एंड मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस विद दिलजीत दोसांझ बहुत ही वधिया लगा, क्योंकि मेरा एक सपना सी कि मैं इन्हां नाल काम करा, जो कि मैं दस्या भी है सारिआं नूं। एंड हुण सारिआं ने बहुत ज़्यादा प्यार दिता एंड होर भी मज़ा आ रहा। दिलजीत हाँ जी, ट्रेलर नूं एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्पॉन्स मिलिया, जिन्ना सोचा सी उस तो ज़्यादा मिलिया। सारी टीम बहुत खुश है, ते क्योंकि शहनाज गिल हुणा दी ये मैनूं लगदा पहली बारी असीं इकट्ठे काम कर रहे हैं, ते सारे जणे देखण नूं उतावले ने कि शहनाज गिल ने फिल्म च कितना काम किया। हाई पावर पैकेज, हाई पावर क्वालिटी जिहड़ी हैगी है ओह किहदे विच, ओह कौन है इस फिल्म दे विच? शहनाज गिल। नहीं एक्चुअल च, ओके ओके एक्चुअल च भी है, एक्चुअल च। एक्चुअल च भी है जो नहीं, ओ देखो कहानी नहीं देखो मैं दसनी, थानू दसदी हां, कहानी मैं नहीं। थानू दसदी, कहानी नहीं दसूंगी, चलो एक रियलिटी दसदी हां। देखो तुसी सोनम बाजवा एंड दिलजीत दोसांझ जी दी केमिस्ट्री सारे ने देखी हुई है, राइट? हुण थानू एक नवा फ्लेवर दिखूगा, दिलजीत एंड शहनाज। ओ फ्लेवर लाइक मैनू लगदा थोड़ा क्यूट क्यूट लगूगा। एंड दूजी गल, मेरी फन मोमेंट ओहो कि मैनू उदो बड़ा हासा है, साडा इमोशनल सीन सी एयरपोर्ट दा, एंड शिंदा खड़ा होया एंड मैनू इन्हां दी आवाज आउंदी आ, कुछ ना एहो जिहा फील कर, तेरी सैड मोमेंट फील कर, इमोशंस आउण तैनू। मैं कहा मैनू नहीं आउंदे। अच्छा सोच, ये तेरा मुंडा वा। एंड ओ शिंदा खड़ा होया और पिछे ओदे सच्ची पापा खड़े होए गिप्पी। एंड मुझे कदी भी मेरा हादसा निकलिया इन्नी जोर दी कि मैं किदा सोच सकदी हां चीज कि लाइक ओ मोमेंट बहुत ज्यादा ये अंदर ही रखी फिरदी मैं तो। सामने ओदे डैड खड़े ने, हां मैनू नहीं पता, शिंदे मेरे पीछे खड़े होना ना। हां हाँ, मैंने ओ पता। बिल्कुल पीछे खड़े ने एंड ओ ये कह रहे ने सोच के सच्ची च तेरा मुंडा वा, मतलब मेरा सगा कहण दा भाव कि तू छड्ड के जा रही है। हां बट ओ मेरे लिए ता हां, तू तेरा पॉइंट ऑफ व्यू होर सी, मेरा होर सी ना, कहाँ चक्कर चलिया। हाँ अदरवाइज सर कोई फन मोमेंट उन्हां नाल जिहड़ा तुसी फिल्म दौरान शेयर करना चाहते? बहुत वधिया लगा कि मैं जिन्हां नाल काम करना चाहुंदी सी उन्हां नाल मैनूं मौका मिल गया, क्योंकि मैं जो सोचदी हाँ ना अपने लिए वह मैनू मिल ही जाता। वैसे मैं सच्ची दसा दूजे लिए जो सोचा फिर नहीं मिलता, क्योंकि मैनू अपने अपनी चीज लिए मिल जाता जो मैं अपने लिए चंगा सोचती। हौसला रख और वर्ड हौसला रख। मैं अपने आप नूं कहूंगी हौसला रख, हौसला रख। ये जो इन्ना रोल आया उस बारे की कहना चाहते हो? मैनू जिदा लाइक नैपोटिज्म, पता नहीं हुण केड़ी सेंस च गल कर रहे हैं आपां, बट नैपोटिज्म दा मतलब मैनू जिवें लगदा कि मैं जे कुछ बनी हाँ मैनू हमेशा होगा यार मेरा भरा भी कुछ करे लाइफ च। मैं हमेशा चाहूँगी कि यार मेरी फैमिली चो कोई ना कोई अगे आवे, कुछ करे ओह लाइफ च आके। तो आई थिंक हर कोई चाहुंदा, हर कोई अपने अपनी ओदा भी जे आप कॉमन बंदे दी भी गल करिए भी अपने बच्चों बारे सोचते आ, वह भी अपने मतलब हर कोई अपने बारे ही सोचता वा। सो मेरे लिए मैं जो कुछ बनी हाँ मैं चाहूँगी मेरा ब्रदर भी कुछ बने लाइफ च, वह भी अगे वधे। पहला मेरे दिमाग च उही चीज़ आऊगी, मेरा ब्रदर ओ की कर रहा, ओदा भी कुछ बन जाए, हाय मैं कर रही हाँ। मैनू मैनू ए लगता नैपोटिज्म गलत लिया जा रहा, बट इन्ना गलत है नहीं जिन्ना बनाता। मैं लगता कि हर एक दा अपने आप नाल एक रिश्ता है जिहड़ा सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट है, उस तो इंपोर्टेंट होर कुछ नहीं, जिहड़ा थोड़ा थोड़े नाल रिश्ता है। जे तुसी अपने आप नूं नहीं जानते, जे तुसी हाले तक अपने आप नूं नहीं जानिया, तां तुसी शायद नहीं कॉन्ट्रोवर्सी हो जाए इत इत बंद कर दें। क्वेश्चन डेड आंसर डेड बट ए डीप सीगा थोड़े लिए।
जो जेड़ा बंदा मेडिटेशन करता ना ओदे लिए बहुत डीप चीज है जेड़ी तुसी बोली है। अच्छा अच्छा बट ये साडे लिए डीप नहीं है। सॉरी सॉरी नहीं सॉरी नहीं सच्चा जेड़ा बंदा रब ना जुड़दा ना कनेक्ट करदा ओना ओदे लिए ये आंसर डीप है। अच्छा कि अपने आप नु अंदरों जानना हर कोई नहीं जान सकता इजीली ओदे लिए रब ना सच्ची जुड़ना पैंदा। राइट है।